मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया वाले मेरी फिल्म को गाली दे रहे हैं वो काफी ही मूर्ख है जो मेरी फिल्म को समझ नहीं पाए। अब रामायण एक ऐसी कथा है जिसने भी इस कथा को सुनी है वो अपने हिसाब से दुनिया को बताता है। तो ये मेरा विजन था कि मैं रामायण को इस तरह से दिखाऊं। अगर आपके पास भी अपना ये भूषण कुमार जैसा आदमी है तो बनाओ ना आप भी फिल्म। नहीं बना सकते ना, तो देखो ऐसी फिल्म को। तो एमसी स्टैंकर आप क्यों नहीं डाला? हम डालने वाले थे लेकिन रावण 10 मुंह से अगर गाता तो मैशअप नहीं हो जाता। मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा महाभारत पे भी कुछ बनाओ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाई पीपल आर हेटिंग आदिपुरुष मूवी। भाई इट्स अ मास्टरपीस फिल्म आफ्टर किसी की आंट किसी की गांड मूवी। यार मतलब इतनी परफेक्ट फिल्म आप कहां पर देख सकते हो? हमारे वाल्मीकि रामायण को इतनी अच्छी पिक्चराइज किया एंड सोचो इतनी अच्छी पवित्रता इनके अंदर नजर आती कि हर एक थिएटर में एक सीट रिजर्व रखते हैं बजरंग बली के लिए। अब ये कौन अफवाह फैला रहा है कि बजरंग बली इंटरवल पे उठ के चले गए थे? यार तुम लोग खुद की बुद्धि लगाओ ना, थिएटर में हनुमान जी को बिठा के डायरेक्टर साहब ने आदिपुरुष मूवी के अंदर लॉर्ड जीसस को दिखाया। यार मार्वल वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आदिपुरुष के प्रोड्यूसर को कि पैसा है तो दान कर वरना अपना काम कर। मैंने अक्सर नोटिस किया कि हम इंडियंस को ना सिर्फ और जब गलतियां निकालने आते हैं। अरे भाई जब ओम राउत वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे तब यार लाइट चली गई थी, तो क्या हो गया? लाइट गई तो उन्होंने बाहर गए एमसी स्टैन को देख लिया, उनका रैप सुन लिया, इसलिए फिल्म के अंदर डायलॉग्स भी वैसे चिपका दिए। इनफैक्ट मैंने अभी अभी सुना था, मैं जब टी सीरीज के ऑफिस में गया था तो मेरे को सुनाई दिया था कि वो रावण जी के लिए एक रैप लिख रहे थे, मैं लंका का हस्ती ब्रो आगे ले मुगल अब पलटी लो। यार दोस्तों तुम लोग ना यार बता रहा हूं यार, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी देयर इज अ चूतियागिरी, सो प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट द हार्ड वर्क ऑफ ऑडियंस व्हाइल वाचिंग आदिपुरुष। टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगा भाई, 600 करोड़ के बजट में आपको बंदरों के वेरिएशंस देखने मिले, कहां देखने मिलता है भाई? डिस्कवरी पे भी नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए भी आपको 100-200 का रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन 600 करोड़ मजाक है क्या भाई? ये भी तो अपने दिमाग में डालो, हम इंसान भी तो बंदर ही थे ना पहले। वो अलग बात है कि फिल्म को देखने के बाद इंसान वापस बंदर बनना पसंद करेगा क्योंकि उसने इंसानी बुद्धि नाप लिए। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, हम नौजवानों ने रामायण देखी, हम वाकिफ हैं, लेकिन बच्चों का क्या? और ये फिल्म स्पेशली बच्चों के लिए बनी, आपको इतना भी नहीं एहसास हुआ? आप ये फिल्म अपने बच्चों को दिखाओ, देखना बच्चे खुद थिएटर के बाहर निकल के बोलेंगे कि पापा मेरे को आदिपुरुष का वीडियो गेम चाहिए प्लेस्टेशन पे खेलने के लिए। देख लेना जब आदिपुरुष का पहला टीजर आया था तो सबने बहुत ट्रोल किया एंड डायरेक्टर सीरियसली भी लिए सबको एंड उन्होंने बोला भूषण भाई मेरे को और 100 करोड़ डालना है। तो भूषण भाई इज अ मैन विद अ गोल्डन किडनी, उन्होंने बोला अरे ले मेरा 100 करोड़ जब फूक ले। अब क्या चाहिए, क्या गलत कर लिया भाई? भाई तुम लोगों को आदत है, अभी रिसेंट टाइम में केरला से एक फिल्म आई थी जो कि 15-20 करोड़ में बनी थी, जो कि बेस्ड थी केरला फ्लड पे, जिसका नाम है 2018 मूवी, जो कमाई 150 करोड़। फिर वही इंडस्ट्री ने 18-20 करोड़ के बजट में सुपर हीरो फिल्म बनाई थी जिसका नाम है मिनल बुरली। अरे तो भाई उनके पास पैसा नहीं, वो नहीं पोक पा रहे, तो हमारी क्या गलती भाई, हमारी क्या गलती? हमने तो भाई 150 करोड़ में झूठी में मकार बनाई थी, तो हम क्यों नहीं डिजर्व करते कि 600 करोड़ में हम आदिपुरुष बनाए? इसलिए बोलता हूं फिल्म से नाम बने या ना बने, कम से कम बजट से नाम कि देखो हमने 500 करोड़ डाल के भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। बेसिक सी बात है कि तुम लोग जलते हो कि आदिपुरुष के मेकर ने इतना पैसा लाया कहां से और डाला तो डाला कहां पे? भाई साहब अच्छी फिल्म बना के तो कोई भी नाम कमा सकता है, हिम्मत है तो 500 करोड़ का कचरा बना के नाम गवा के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। यार प्लीज कचरा फिल्म बनाना भी एक आर्ट है, तो प्लीज डोंट अंडरवेयर एस्टिमेट। ठीक है मैं मानता हूं फिल्म में 218 गलतियां हैं, रामायण में भी छेड़छाड़ किए गए, लेकिन कहां पर आपको देखने मिलेगा कि KGF मार्वल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सबका कॉकटेल बना के डायरेक्टर साहब ने परोसा है? कहां पर देखने मिलेगा? एंड हैट्स ऑफ टू प्रभास, प्रभास भाई साहब ने नींद में पूरी पिक्चर कर डाली। सोचो इसको आप आर्ट नहीं कहोगे, इसको आप डेडिकेशन नहीं कहोगे? हैट्स ऑफ टू प्रभास फॉर गिविंग एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन बाहुबली। सो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी के बातों में मत आओ, अपने पूरी फैमिली के साथ थिएटर जाओ एंड थिएटर में जाके आदिपुरुष के बाजू में फ्लैश मूवी लगी है वो देख के फ्रेश हो जाओ। बाकी जलते वाले जलते रहेंगे भाई, हम तो चलते रहेंगे, बस इतना ही कहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।